अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, क्या गहलोत सरकार रिपीट होगी या कोई बदलाव होगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं आप व्यापारियों के पास में। इन व्यापारी वर्ग से जानते हैं कि गहलोत सरकार के कार्यकाल से वे कितना खुश हैं, कितना नाराज है, और वे इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखते हैं। हाँ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है और गहलोत सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं। देखिए, वैसे तो क्या है, सरकार आती है जाती है, अपना अपना कार्यकाल करती है, सभी जनता संतुष्ट हो या ना हो ये उन पर निर्भर करती है। जहाँ तक सामाजिक कार्य हैं, जहाँ जहाँ बड़े कार्य होते हैं, सरकार अपने अपना कार्य करती है और करके चले जाती है। लेकिन राजस्थान की जो जनता है वो संघर्ष ने क्या होता है, अभी 5 साल के बाद में बदलाव चाहती है। वैसे गहलोत सरकार भी ने अच्छा काम किया, वसुंधरा सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन जनता के संदर्भ में अगर मैं देखना चाहूँ तो जनता ये चाहती है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ हमेशा ये रहा है कि हनुमानगढ़ में जिस तरह विधानसभा की बात करें, यहाँ एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, जिस तरह से देखिए हनुमानगढ़ का ये रसूख है, हम 5-5 साल सभी को नंबर देते हैं। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल, कभी कांग्रेस से आ जाए, कभी भारतीय जनता पार्टी से आए, दोनों का स्वागत करते हैं। हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए देखना चाहते हैं जो अच्छा कार्य करे वो करके चले जाते हैं, उनको 5 साल तक याद करते हैं, 5 साल बाद में दूसरे पार्टी के लोग आते हैं, वो क्या काम करते हैं फिर उनको याद करते हैं, नहीं करते हैं तो दुआएं मिलती रहती हैं। तो इस बार क्या लगता है, गहलोत सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? देखिए, गहलोत सरकार की जहाँ तक बात है तो इस बार मेरे संदर्भ में अगर मैं कहना चाहूँगा, सरकार जो है या जनता जो है, ये मुख्यमंत्री अलग किस्म का चाहते हैं। हालांकि गहलोत जी कोई गलत नहीं है, गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन जनता का जो है मूड इस बार तो तीसरा चेहरा की नज़र आना चाहिए। तो जनता का मूड जो है इस बार बदलाव चाहेगा और गहलोत सरकार रिपीट नहीं होगी जैसा कि इन्होंने कहा। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का कार्यकाल मानते हैं 4 साल में जो हुआ है गहलोत सरकार? कार्यकाल तो ओवरऑल फिर भी ठीक हुआ है, अपन ऐसे नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत ने कोई कार्य नहीं किया है, पर कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने अभी तक जो देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट अपने खुद के शासनकाल में मुख्यमंत्री को लेकर, जैसे कि आप सचिन पायलट जी को ले लीजिए या अदर्स और भी गुटबाजी, ये गुटबाजी से ही उलझ रहे हैं, ये प्रशासन का जो प्रॉपर काम होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो एक मुख्यमंत्री के प्रॉपर कार्य होते हैं वो उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा। मतलब 4 मंत्री अगर कहीं इधर उधर हो गए हैं तो उनको ढूंढने में लग जाते हैं, उन टेंशन में आ जाती है, तो गवर्नमेंट एक टेंशन की प्रक्रिया जो चल रही है ना, जो वो अभी तक जो अशोक गहलोत के राज्य में ये सही नहीं चल रही है। राजस्थान में जो है ना कांग्रेस का राज्य इस तरीके से सही नहीं चल पा रहा, तो हम तो अभी कह नहीं सकते हैं, पर अभी तक का जो कार्यकाल देखते हुए चल रहा है मुझे नहीं लगता है अशोक गहलोत द्वारा रिपीट कर पाएंगे। तो कार्यकाल और विशेषकर जो गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंदर सचिन पायलट और उनकी गुटबाजी नज़र आई है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। कुर्सी की लड़ाई के लिए जो इनकी लड़ाइयाँ हैं वो सबके सामने जग जाहिर है, उससे ये लग रहा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार वापस नहीं आएगी, ऐसा इनका मानना है। आप बताएं जी, क्या मानते हैं गहलोत सरकार? हम ये कहना चाहते हैं कि जनता बदलाव करना चाहती है, बदलाव चाहती है। हाँ जी। नहीं तो गहलोत सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं है। नहीं है। खुश नहीं है? नहीं जी। तो क्या लगता है राजस्थान में सरकार किसकी आएगी फिर? मोदी भाजपा सरकार बता रहे हैं कि इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार आएगी। आपसे जानना चाहूँगा कि विशेषकर जो 4 साल गुजरे हैं कैसे देखते हैं आप? सर, काम तो गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे किए हैं, बाकी जो हमारी जनता है वो 5 साल बाद बदलाव ही चाहती है, तो बदलाव आना भी चाहिए वैसे, और बाकी देखो जो आगे होगा। ओवरऑल बात करें तो किस तरह का कार्यकाल इनका रहा है, क्या मानते हैं योजनाएं क्या? कल बढ़िया रहा है, योजनाएं भी इनकी अच्छी रही हैं, बहुत अच्छा काम भी बढ़िया किया उन्होंने, बाकी जो जनता अब चाहती है तो जनता के मूड का क्या कर सकते हैं, वो 5 साल बाद बदलाव ही चाहती है, बदलाव चाहती है। हाँ जी। तो इनका कहना है कि हनुमानगढ़ की जो विशेषकर खासियत रही है कि 5 साल बाद वे दूसरा चेहरा बदलते ही हैं, एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं, दूसरा फिर भाजपा को मौका देते हैं, और भी व्यापारी मौजूद हैं, आप बताएं जी क्या मानते हैं? हम तो ये कहते हैं जो इनकी सचिन पायलट की और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की आपस में तानाशाही है, उसमें थोड़ा सा उसके कारण बदलाव आएगा और सरकार बीजेपी की आएगी।
तो क्या मानते हैं, गहलोत सरकार ने कोई कार्य अच्छे नहीं किए, ये योजनाएं अच्छी नहीं थी इनकी? गहलोत सरकार के आदेशानुसार हमारे चेयरमैन साहब ने हनुमानगढ़ जंक्शन में बहुत अच्छा काम किया और सबसे इसको जिले का रूप दे दिया। तो फिर भी क्या मानते हैं, फिर भी बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? इसलिए बदलाव चाहते हैं क्योंकि इनकी आपस में गुटबाजी है। अच्छा, गुटबाजी का काम। और जो कानून व्यवस्था की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, उस रूप में कैसे देखते हैं गहलोत सरकार? भ्रष्टाचार की बात करें वो तो सभी में एक से चलते हैं, बीजेपी कोई एक धोनी और अशोक गहलोत धोनी। अच्छा, सभी पार्टियां एक सही है। तो भ्रष्टाचार की जो इन्होंने बात कही है कि सभी पार्टियां एक जैसी है, कोई उसके अंदर अंतर नहीं है, जो भी पार्टी आएगी अपने अपने फायदे ढूंढती है। व्यास जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि इस बार जो गहलोत और पायलट के बीच का जो द्वंद देखने को मिल रहा है, उसका खामियाजा कहीं? देखिए, अगर परिवार में फूट हो तो लोग मज़ा देखते हैं। सही है। वो कहते हैं भी घर की लूट जगत की, घर की फूट जगत की लूट। तो गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए था। तो जनता के संदर्भ में अगर कहने था, जनता के ये पॉजिटिव नेगेटिव जो शब्द जाता है, क्यों एक्चुअली में क्या है, दोनों की लड़ाई चली, कभी पायलट साहब को बनाने का प्रोग्राम बना, कभी गहलोत साहब का बना। इनका जीवन जो 5 साल का है वो संघर्ष में रहा है। गहलोत साहब का मुख्यमंत्री एक नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, तो आगे आने वाले समय में पायलट साहब को चांस मिल सकता था, लेकिन पायलट साहब ने भी क्या है, अभी अपने संदर्भ में दोनों में तानाशाही का मामला करते हुए आगे कदम बढ़ाया। मैं इसके खिलाफ हूँ। तो प्रेम से अगर चलते हैं तो दोनों को, देखो पार्टी अपने अपने हिसाब से स्तर पर बनाती है, पार्टी स्तर पर रहना चाहिए था इनको। तो इनका कामयाब उतना पड़ेगा, कामयाब जनता तो देख ही रही है, जनता को पता नहीं है, लड़ाई इनकी होती है, जनता तो ये देखती है इनकी लड़ाई चल रही है। फिर राजनीतिक लड़ाई का क्या, जनता फायदा उठाएगी, और सरकार के विषय में इनको क्या है, अभी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जिस तरह से व्यापारी वर्ग ने कहा है कि गहलोत और पायलट की जो लड़ाई रही है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी काफ़ी अच्छी है, जैसे चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में हमेशा ये रहा है कि 5 साल बाद वे चेहरा बदलते ही बदलते हैं, एक बार भाजपा सरकार आती है तो दूसरी बार कांग्रेस सरकार आती है। ऐसे में कहना अभी मुश्किल है कि यहाँ सरकार कौन सी बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से इन व्यापारी वर्ग ने कहा है कि वे हनुमानगढ़ के अंदर बदलाव चाहते हैं, भले ही काम कितना भी किया हो, कुछ व्यापारियों ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार जो अपने चरम पर रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर जो इन्होंने बात कही कि कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ही पूरी तरह से नाकारा हो गई और जो अपराध का ग्राफ है वो बड़ा है, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या मानते हैं गहलोत सरकार को लेकर, 4 साल का कार्यकाल किस तरह देखते हैं, और राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखो, काम इनके वास्तविकता है कि भ्रष्टाचार भी बड़ा है, गुंडागर्दी भी बड़ी है, महिलाओं पे अत्याचार भी हुए हैं, काफ़ी कुछ, मतलब अपनी ही राजनीति में ये उलझे हुए हैं। इनको जनता से या जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही भ्रष्टाचार है यहाँ। अपने हनुमानगढ़ में ही ले लो, किसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है, चोरी चकारी इतनी हो रही है, नशे का इतना गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा हुआ है, जिन्हें लेकर सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और बहुत ही बच्चे आज नशे में त्रस्त हो रहे हैं, परिवार खराब हो रहे हैं, बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुलेआम सरेआम नशा बिक रहा है। इसे लेकर सरकार कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है, ना ही उनको कोई देखता है, ना ही उनको कोई पूछता है, ना ही माँ बाप की कोई सुध लेता है। तो क्या मानते हैं, इस बार राजस्थान में किसी सरकार आएगी? फिर देखो, सरकार से मतलब है, सरकार तो कुल मिला के कांग्रेस की नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि इस काल के अंदर भ्रष्टाचार और जो अपराध है काफ़ी बड़ा है। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं कार्यकाल गहलोत का? कार्यकाल तो ऐसे जी, 5 साल बाद वैसे बदलाव चाहिए। बीजेपी की सरकार जो है टैक्स वगैरह में सभी में सहायता करती है व्यापारियों की। अच्छा। कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल भी सहायता नहीं करती व्यापार। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था उसको क्या मानते हैं? उसका कुछ भी नहीं हुआ जी, पहले वेट लगा दिया, उससे पहले टैक्स था, फिर जीएसटी लगा दिया, कोई हल नहीं है। रोज चेंज करते, कभी 5% करते, कभी 12% करते, कभी 18% करते, उसी को बदलते तो रहते हैं। क्या मानते हैं सरकार किसकी आएगी? सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए 100%। सरकार से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है कोई, कोई व्यापारी खुश नहीं है जी उनसे। तो मत अपने अपने हैं, व्यापारियों का कहना है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल कुछ हद तक ठीक भी रहा है, कुछ व्यापारियों का कहना है कि गहलोत सरकार कार्यकाल बिल्कुल ठीक नहीं रहा। इस बार वे जो हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो परिवर्तन होना ही है, और ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो वहाँ भाजपा सरकार आने वाली है। अब सरकार किसकी आएगी ये तो
चुनावों के बाद में जो गिनती होगी, काउंटिंग होगी, उसके बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो हनुमानगढ़ की जनता का मूड है, उन्होंने कहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार नहीं आनी चाहिए, भाजपा की सरकार आनी चाहिए। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।